तीन दिन पहले सभी मोर्चों की बैठक हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी सब थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही, जब एक लक्ष्य हमारा है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जहां भी चुनाव होगा 51% वोट भाजपा को मिले, इसका इंतजाम हम करना चाहते हैं। सब में 49 नहीं रहे, 51 भाजपा रहेगी, इसका प्रबंध हम करना चाहते हैं। क्या हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दिशा निर्देश के लिए काम करने को तैयार है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और काम मुश्किल नहीं है, वातावरण हमारे अनुकूल है, समाज के जिन वर्गों में हमारी पहुंच रही थी ऐसे लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं, केवल हमें जाने की जरूरत है। और हमने अगर ये काम किया, मित्रों में ईमानदारी से कह सकता हूं कि फिर दुनिया की कोई ताकत भाजपा के इस रथ को रोकने नहीं वाली। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं कह रहा था कोई अपराध जब नहीं, तो फिर अपराध क्या है? अपराध केवल एक है, भाजपा की बढ़ती हुई ताकत। भाजपा मजबूत होगा यही अपराध है। और 4 वर्ष में हमारे जो प्रबंधन विरोधी है वो भी नहीं आरोप लगा पा रहे। इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि अपराध क्या है मोदी जी का, लेकिन मोदी नहीं रहना चाहिए। कल कर्नाटक में जो हुआ है, 1001 सबसे ज्यादा विधायक हमारे, 104 अब 6-7 आ गए होते तो ये दिक्कत नहीं होती। सांप बिच्छू गोजर नागना सातना नेवला सब एकजुट। और किस लिए एकजुट? देश को बदलना है? नहीं। किसान की हालत बदलनी है? नहीं। नौजवान को रोजगार मिले? नहीं। शिक्षा का बेहतर इंतजाम हो? नहीं। इसलिए मिल रहे हैं, देश को लूटना है, मोदी को हटाना है, भाजपा को नहीं रहने देना है। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। जिन लोगों ने आपस में कभी बातचीत देखा देखी नहीं थी वो भी मिल रहे हैं।